फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन 2A प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना कॉल फॉरवर्डिंग को आप स्टॉप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको ये सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। इसमें आपको नीचे कॉलिंग अकाउंट पर टैप करना है। अब इस पेज में आपको अपने मोबाइल फोन की सिम सेलेक्ट करनी है। अब इस पेज में आपको नीचे कॉल फॉरवर्डिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपका पेज जो है रीडिंग सेटिंग होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ऑलवेज फॉरवर्ड का ऑप्शन ये सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे जो मोबाइल नंबर ये वाला दिखाई दे रहा है ना, इस मोबाइल नंबर को आपको ध्यान में रखना है। इस मोबाइल नंबर के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ऑलवेज फॉरवर्ड का ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अब इस पेज में आपको ऑफ का ये बटन है ना, ऑफ के बटन पर टैप करना है, तो आपका पेज अपडेट होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे ऑफ लिखा हुआ आ चुका है। पहले यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा था ना, अब यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से कॉल फॉरवर्डिंग जो है स्टॉप हो जाती है। अब देखिए, मैं सेटिंग के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को स्टॉप करने से पहले ये सेटिंग कैसे काम करती थी कि जब कोई भी पर्सन जो है मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करता था ना, तो वो जो कॉल है ना मेरे मोबाइल नंबर पर नहीं आती थी, वो कॉल उस वाले नंबर पर चली जाती थी जो नंबर यहाँ पर पहले दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि इस कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग को हमने स्टॉप कर दिया है। अब ये स्टॉप करने के बाद कैसे काम करेगी कि अब कोई भी पर्सन जो है मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करेगा, तो वो जो कॉल है ना सीधा मेरे मोबाइल नंबर पे आएगी, अब वो कॉल उस वाले नंबर पे नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो ये कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है स्टॉप करने के बाद ऐसे काम करती है। देखिए दोस्तों, वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूं कि अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर कॉल फॉरवर्डिंग अगर लग रखी है ना, तो इस तरीके से आप उसे यहां पे चेक कर सकते हैं, और अगर लग रखी है तो इस तरीके से आप उसे ईजिली स्टॉप कर सकते हैं। अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे कोई भी कॉल नहीं आएगा, सारी की सारी कॉल जो है किसी और नंबर पे चली जाएगी जो नंबर आपको ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे दिखाई देगा, ठीक है ना।